हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैजिक स्पून विद नीतू। फ्रेंड्स, इस क्रिसमस पर अपने बच्चों को दीजिए ये बढ़िया सा सरप्राइज, ये यम्मी से चॉकलेट कपकेक बनाकर। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है। सबसे पहले एक बाउल में मैंने 4 एग तोड़ लिए हैं। अब इसमें 1 कप मैं डाल रही हूँ पाउडर शुगर, 1/2 कप मैदा। अब एक ही कप से हम मेजरमेंट कर रहे हैं। अब इसी कप में मैं 1/2 कप ले रही हूँ कोको पाउडर। अब 1 स्पून डालेंगे हम वनीला एक्सट्रैक्ट, मैं ये आइडिया से डाल रही हूँ, ये लगभग 1 टीस्पून है। और अब 1 टीस्पून हम डालेंगे बेकिंग पाउडर, चुटकी भर बेकिंग सोडा। और अब हम इसमें डालेंगे ऑयल, 1/4 कप मैं ऑयल डाल रही हूँ और 1/4 कप ही मैं यहाँ पर मिल्क डाल रही हूँ। मिल्क जो है बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए और ये 1/4 कप ही मैंने डाला है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छे से फेंट ले इसको ताकि इसमें लम्स ना रहे, बिल्कुल स्मूथ बैटर हमें चाहिए। और मैंने ये सारा एक साथ ही बना लिया है, अलग अलग से कुछ भी नहीं किया है। ये बहुत ही अच्छे बन जाते हैं, कभी भी फेल नहीं होती ये रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए बहुत ही स्मूथ हमारा बैटर बन गया है। अवन को मैंने 10 मिनट्स के लिए प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया है। अब ये देखिए यहाँ पर मैं मोल्ड ले रही हूँ नीचे, और उसके ऊपर मैंने बटर पेपर से जो कपकेक के मोल्ड आते हैं हमारे बने हुए, वो मैंने डाल दिए हैं। अब उसमें हम बैटर डालेंगे। बैटर आपको 1/2 ही भरना है। अगर आप इसमें ज़्यादा बैटर डालेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा और आपके कपकेक अच्छे नहीं बनेंगे, तो इसे आप 1/2 ही भरिएगा बैटर से। ये देखिए इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा इसमें डाल रही हूँ। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है, इसमें ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता, सिर्फ बेकिंग टाइम ही आपको लगाना पड़ेगा इसमें। बाकी आपको बैटर तैयार करने में हार्डली 5 से 10 मिनट ही लगेंगे। ये देखिए मैंने इनको भर लिया है। अब मैं इसको ऊपर से गार्निश करूँगी थोड़े से चोको चिप्स से। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी वाइट मिल्क एंड डार्क चॉकलेट चोको चिप्स से। ये देखिए मैं यहाँ पर मिक्स मैंने कर लिए हैं थोड़े से, और इनसे मैं ऊपर से इनको गार्निश कर रही हूँ ताकि जब ये फूलेंगे तो ऊपर ये बहुत अच्छे लगेंगे। ये देखिए अब हम इसको 180 डिग्री पे 20 मिनट्स के लिए बेक करेंगे प्रीहीट ओवन में। ये देखिए 20 मिनट्स में हमारे जो कपकेक हैं वो बहुत अच्छे से बेक हो गए हैं। अब इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल क्लीन स्टिक निकली है, तो हमारे ये कपकेक एकदम से बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए कितना अच्छे से फूल गए हैं और बहुत अच्छा इनका कलर भी आया है। अब मैं इनको आइसिंग करूंगी क्रीम से। अगर आपके पास क्रीम है, आपकी चॉइस है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाले हैं आइसिंग करते हुए बहुत सारे, तो आप वहां से आइडिया लेकर आइसिंग कर सकते हैं इनकी। अब मैं इनको ठंडा कर लूँगी, ये देखिए। और ये देखिए मैंने इनकी आइसिंग कर ली है। बहुत ही सुंदर केक ये बनकर, कपकेक हमारे तैयार हैं क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।